और ये हम आए आज गोवा में, गोवा की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिवा सासा गांव। और मैंने आपको दिखाया अभी उनका स्विमिंग पूल, उनका रेस्टोरेंट, बार, यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे बुफेज भी ऑर्गेनाइज रहता है, 400 में अनलिमिटेड बुफे आपको मिलता है। रूम रेंट यहाँ पे है 2000 से 2500 तक। ये ऐसे विलाज और अपार्टमेंट्स है, यहाँ पे आपको इनके रूम्स मिलेंगे। अभी मैं आपको रूम के अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा। और हम लोग अभी जस्ट एक रिजॉर्ट का ओवरऑल एक लुक देखने के लिए गए थे कि स्विमिंग पूल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसी है। रिसेप्शन डेस्क यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आगे जाके जो ग्लास का यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क है। और रिसेप्शन डेस्क के बाद में रूम पे जाके रूम का क्या स्टेटस है ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये यहाँ पे स्पा और सलून इसी रिजॉर्ट में अवेलेबल है। ये अपार्टमेंट्स है यहाँ पे, अपार्टमेंट में एसीज और फैसिलिटी सारी अच्छी है। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, थोड़ा गोवा से दूर है आपको, कलंगुट बीच से 8 किलोमीटर्स पे आपको पड़ेगी। प्रॉपर्टी के रेट मैंने आपको बताया 2000 में आपको ये, ऑफ सीज़न में 2500 टू 3000 में आपको ये, ऑन सीज़न में मिलेगी। रूम का व्यू मैं अभी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। और हम अभी रूम की तरफ जा रहे हैं, रूम में हमारा रूम मिला है। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर्स अगर प्रॉपर्टी का देखा जाए तो 2000 के हिसाब से वर्थ है, उसी हिसाब से रूम्स भी अवेलेबल है। दो चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली, जब भी आप रिसेप्शन डेस्क पर रूम चेक इन करते हो तो आपको आपका सामान रिसीव करके रूम तक छोड़ने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। और सेकंड, ये हो गया हम रूम में एंटर। रूम में एंटर होते ही मैं यहाँ पे रूम है, ऐसे आपको इस रूम में दो रूम मिलेंगे, 3 से 4 लोग आप आराम से अकोमोडेट कर सकते हो। और वॉशरूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एक सिंगल अटैच वॉशरूम आपको मिलेगा। उसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड रूम, यहाँ पे सेकेंड रूम, सेकेंड बेडरूम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री में आपको 600 में यहाँ पे 600 रुपीज़ में 2 वाटर बॉटल, खाने की ये सारी चीज़ें, चाय बनाने के लिए यहाँ पे चाय की सारी चीज़ें। उसके बाद एक फ्रिज है, ये मिनी फ्रिज, मिनी बार बोलते हैं। इसमें आपको मिलेगा एक कोक का बॉटल, माजा एपी 3 अल्ट्रा की बियर की बॉटल और एक पानी का बॉटल। उसके बाद चॉकलेट्स, ये सारा चीज़ें आता है आपको मिनी बार के अंदर। और मिनी बार ये 600 रुपीज़ में आपको पे करना है, अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर देखोगे तो गैलरी है, गैलरी से आगे वाले बिल्डिंग का व्यू है। अगर आप चाहो तो स्विमिंग पूल व्यूज़ में भी ले सकते हो, गैलरी व्यू है। तो नेक्स्ट टाइम आप गोवा जब भी विजिट करोगे, 2000 का बजट है उसमें आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। थैंक यू।